शर्जील इमाम के एक वीडियो पर छिड़े घमासान में अब गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, इन गद्दारों की बात सुनकर कैसे मान लूं कि इनका खून शामिल है यहां की मिट्टी में। तो अब आप देख रहे हैं शर्जील इमाम का ये जब बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आया, इसमें देश को तोड़ने की बातें करता दिखाई देता है। तो अब इसकी प्रतिक्रियाएं भी होने लगी हैं और प्रतिक्रियाओं में भी विवादित बयान दिए जाने लगे हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इन गद्दारों की बात सुनकर मैं कैसे मान लूं कि इनका खून शामिल है यहां की मिट्टी में। दिखाते हैं आपको वो ट्वीट पूरा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या लिखा है, देखिए आपके सामने ट्वीट। ये कहते हैं सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, ये मशहूर शायर का लिखा हुआ शेर है। इन गद्दारों की बात सुनकर कैसे मान लूं कि इनका खून शामिल है यहां की मिट्टी में। कह रहा है असम को काटकर हिंदुस्तान से अलग कर देंगे। बहरहाल दिल्ली का शाहीन बाग जहां 42 दिन से नागरिकता कानून का विरोध में मजमा लगा हुआ है, आज उस शाहीन बाग की असलियत सामने आ गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया कि शाहीन बाग के एक वीडियो में देश को तोड़ने की बातें खुलकर की जा रही हैं, मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काया जा रहा है, असम को देश से काटने की बातें हो रही हैं। ये वीडियो है जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम के दिमाग में नफरत का कितना मवाद भरा है, ये देश के हर नागरिक को देखना जरूरी है। सबसे पहले देखिए शर्जील इमाम के वीडियो से कैसे दिल्ली का शाहीन बाग तौहीन बाग में बदल गया। उन्होंने 70 साल से किया है, अब वक्त यह है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े होते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी है, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 500,000 लोग थे उसमें रैलियां में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, 500,000 लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे, क्या होंगे हमारे आवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर आवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशन में, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझ में आई कि अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उन्हीं कंट्रोल में है जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, सारे वो उन्हीं कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पर बहस ना हो। और आपको बता दें इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, वहां चलते हैं। संबित पात्रा जी ने, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कोई व्यक्ति देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, कोई शायद असम के टुकड़े करने की बात कर रहा है, असम को अलग से कर देने की बात कर रहा है, और मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप देश की सरकार हैं, आपको उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, और अगर वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये शक जाता है कि कहीं इस तरह की बयानबाजी दिलवा के आप ही देश का माहौल तो खराब नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये बयान दे और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कुछ करें ना, उसको अरेस्ट ना करें। मैं बीजेपी को 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, 24 घंटे में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करिए, जेल में डालिए जो व्यक्ति कहता है,
नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति आपकी साजिश के तहत किसी तरह का बयान देता है और उसके बाद में आप उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रस्म अदायगी करते हैं ताकि लोगों की भावनाओं से खेला जा सके। आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस देश की सुरक्षा से कोई एकता से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी चलती रहे और आप उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें और ये माना जाएगा कि आपका आदमी है वो, आप उससे करवा रहे हैं। आप उसको 24 घंटे में अरेस्ट करिए, नहीं तो देश के सामने बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति को जो देश को तोड़ने की बात करता है आप उसको अरेस्ट करने में सफल नहीं है, आप उसको उसमें फेल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की और मनीष सिसोदिया की अपनी राजनीति है, वो उसी की बात कर रहे हैं। बहरहाल देश को बांटने, असम को देश से काटने की साजिश रचने वाला शर्जील इमाम, इसके दिल में कितना जहर भरा है, इसके कुछ पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो और साफ हो जाएगा। शर्जील का एक और वीडियो इंडिया टीवी को मिला जिसमें उसने देश के संविधान को ही फासिस्ट बता डाला। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जब फैशिज्म फैशिज्म के दायरे लग रहे हैं तो याद रखिएगा कि दस्तूर शुरू से फैशिज्म की इजाजत देता है। चाहे प्रोटेक्शन हो, प्रेसिडेंट रूल हो, चुनाव का तरीका हो, हिंदू का डेफिनेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन फैशिस्ट है। बिल्कुल, आप इसका सहारा लें कोर्ट में, केस में, हर जगह लें, लेकिन ये आपका, ये आपकी आखिरी उम्मीद हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने बारह आपको फेल किया है, एक बार फेल किया भाई। अदालत में कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लें लेकिन इसके सहारे न रहें। और ये वही लोग हैं जो इस सारे प्रोटेस्ट के अंदर, सारे प्रदर्शनों के अंदर उसी संविधान की कॉपियां दिखा दिखा कर नारे लगाते हैं, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें ले लेकर जाते हैं सड़कों पर प्रदर्शनों में और फिर कहते हैं कि संविधान फासिस्ट है। बहरहाल इस बेहद आपत्तिजनक वीडियो में देश को तोड़ने की बातें, काटने की बातें हो रही हैं और जो बात कर रहा है उसका थोड़ा परिचय आपको और दे दें। इसका नाम है शर्जील इमाम। शर्जील इमाम जेएनयू में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है। इंडिया टीवी ने देश विरोधी बातें करने वाले इस शर्जील इमाम को ढूंढ निकाला और उससे सवाल किए। आप भी सुनिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पराशर से बातचीत में शर्जील ने क्या कहा। शर्जील भाई, मेरा 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 एक एक सवाल है, मैं चाहता हूँ आप अपना पक्ष रखें क्योंकि आपकी बात सामने आनी चाहिए। आपकी एक दो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें एक एक असम को लेके, असम को इंडिया से अलग करने की बात हो रही है, वो वीडियो कहाँ की है एग्जैक्टली? देखा वो कहाँ का वीडियो है एग्जैक्टली? वो 40 मिनट का वीडियो एलिगेंट था और उसमें मैंने बोली है बात चक्का जाम की और उसे मैंने कहा है कि असम को जो हाईवे जाते हैं उनका भी चक्का जाम किया जाए। अब उसमें उन्होंने 30 सेकंड कट करके दिखाया है। तो आपने आपने क्या बोला था, आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं उस वीडियो, आपका क्या मकसद था बोलने का? और पहले पहले मुझे ये बता दीजिए लोकेशन क्या थी, मतलब दिल्ली का है, शाहीनबाग का या अलीगढ़ का वीडियो? जिसमें अलीगढ़ अलीगढ़ में कहाँ का है वीडियो? वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है सर, वो तो फेसबुक पर भी है लाइव और हर तरह से इसको मतलब दिखाया गया, देखा भी अलीगढ़ का है। सर ये लाइव वीडियो था, ऐसा भी नहीं पोस्ट किया गया। ओके, लाइव वीडियो है 40 मिनट का, चक्का जाम की बात कर रहा था और उसमें कहा था कि बाकी इंडिया में भी चक्का जाम हो और कम अज कम नॉर्थ ईस्ट बिहार में तो हो ही जाए चक्का जाम, जैसे कि आसान रास्ता जो जाता है वो बंद हो जाएगा, हम लोग एक महीने के लिए बंद कर सकते हैं बैठ के, ये कहा था मैंने। तब तक ये, जब तक ये सरकार हमारी डिमांड ना मांगे चक्का बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मीन जो प्रोटेस्ट है जो आज का नहीं है, 100 साल पुराना है, आपको भी पता है। तो असम को, मतलब असम से जो आपने कहा कि वहाँ रास्ता बंद करना चाहिए, फोर्स वहाँ पे ना जाए, उसका मकसद क्या था, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? उसका मकसद ये है, रोड ब्लॉक करेंगे तभी सरकार सुनेगी, और कोई तरीका नहीं हमारे पास सुनवाने। और स्पेसिफिक असम को काटने का मतलब क्या था कि इंडिया से अलग कर देंगे, वो क्या मकसद था? बोला ना, पूरा स्पीच सुन लीजिएगा तो समझ जाएगा, मेरा कहना है रोड बंद करो। आज ये शर्जील इमाम कहता है कि रोड बंद करने की बात कर रहे थे, लेकिन आप उस वीडियो को सुनिए तो उसमें शुरुआत में इसने कहा है कि हम असम को परमानेंटली भारत से अलग कर सकते हैं। शर्जील इमाम लेकिन इससे पहले भी कई बार देश विरोधी भड़काऊ बयान दे चुका है, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ऑपरेशन शाहीनबाग के तहत ऐसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शर्जील से लेकर शाहीनबाग तक पर हो रही हर साजिश पर करारा वार किया। मैं शाहीनबाग, जी हाँ मैं शाहीन बाग, हाथ तिरंगा मन में दंगा, हाथ तिरंगा मन में दंगा, अमन चैन को डसने वाला मैं जहरीला नाग हूं, हाँ मैं शाहीन बाग हूं। महिलाओं की आड़ में नफरत की बाढ़ में, महिलाओं की आड़ में नफरत की बाढ़ में, हर शहर में लाल चौक हूं, मैं पाक परस्तों का सब्ज बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। कश्मीर शांत है, कश्मीर शांत है, दिल्ली अशांत, मैं आग
मैं आग लगाऊं प्रांत प्रांत में, कश्मीर शांत दिल्ली अशांत, मैं आग लगाऊं प्रांत प्रांत, भारत माता के माथे पर एक बदनुमा दाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। टुकड़े टुकड़े जिन्ना वाली आजादी, टुकड़े टुकड़े जिन्ना वाली आजादी, हो देश की बर्बादी, मासूम दिलों में नफरत बोता, मासूम दिलों में नफरत बोता, देखो मैं कितना घाग हूं, देखो मैं कितना घाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। हो कत्ले आम, हो कत्ले आम, हो सड़क जाम, मेरा मकसद है देश जले, मेरा मकसद है देश जले, मैं नफरत की छुपी आग हूं, मैं नफरत की छुपी आग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। यह है शाहीन बाग की हकीकत।